नौजवानों को इसमें आना बहुत ही ज़रूरी है, पढ़े लिखों को आना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ऑफिस संभालिए और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारा फिर पूरे कंप्लीट कीजिए। तो उससे मैं 5 साल से इन्हीं के बीच में काम कर रही हूँ। तो अभी जो हम लोग का सामुदायिक जो दावा फॉर्म है, व्यक्तिगत तो मिल चुका है, मेरा सुरमा गाँव है, मैं उसके रहने वाली हूँ, वहाँ पर 300 परिवार दावा फॉर्म उनका मिल चुका है जो व्यक्तिगत है। और अभी सामुदायिक दावा फॉर्म के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास किए हैं, तो ग्राम सभा से तो पास हो चुका है, लेकिन अभी अभी उपखंड स्तर समिति से भी पास हो चुका है, अभी जिला पे थोड़ा कुछ कमियां हैं तो वहाँ पे भी खारिज कर दिया गया है। तो वहाँ भी हम लोग काफ़ी काफ़ी उनके ऊपर दबाव डाले हैं, काफ़ी उनके ऊपर नोटिस काफ़ी भेजे, रिमाइंडर वगैरह भेजे कि आपने इस कानून के अंदर, फॉरेस्ट एक्ट कानून के अंदर जो बना हुआ है उसमें आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप लोग खारिज कर सकते हो। तो बोला कि ऐसा कौन सा धारा है, मैंने बोला कि धारा नंबर 15 में देखिए आप कि आपका अधिकार नहीं बनता, चाहे आप DM हो या कोई भी हो, सिर्फ इसका अधिकार सिर्फ ग्राम सभा ही है, ग्राम सभा ही खारिज कर सकती है। एक मेरे गांव का व्यक्ति है जो उनकी कुछ कमियां थी, उन्होंने या आवेश में आके जो या उनके पास ज़्यादा पैसा हुआ हो इसलिए वो उन्होंने बोला कि मैं इस सम वो ग्राम सभा को नहीं मानता हूँ, मैं कोर्ट को मानता हूँ, मैं कोर्ट में जाऊँगा अपना काम करा लूँगा। उनकी कुछ वजह थे, कुछ गलतियाँ थी, दूसरे लोगों की ज़मीन वो हड़पना चाहते थे, वो अपने नाम कराना चाहते थे, इसी व्यक्तिगत के इसी कानून के अंदर वो अपने नाम कराना चाहते थे। तो गांव के लोग सारा लोग बोले कि नहीं, गांव की समिति बोले कि नहीं, ये दूसरे की ज़मीन कैसे हड़प सकती है, कैसे हड़प सकते हैं, तो इस पे खिलाफ हो गया और सारा उसका दावा फार्म खारिज कर दिए। तो काफ़ी प्रयास किया, कोर्ट वगैरह में गए, लेकिन उनका दावा फॉर्म अभी भी नहीं पास हुआ, 5-6 साल हो गए हैं, अभी भी कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, वहाँ भी काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी पैसा खर्च किए, लेकिन अभी पास किया। तो ये ग्राम सभा की ताकत है, तो लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कानून को अगर नहीं समझे तो आगे की लड़ाई और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कठिन आ चुकी है। अगर अभी जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अकेली, दूसरी पीढ़ी जाती जा रही है, अगर युवा पीढ़ी नहीं आएगी तो इस कानून एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ख़त्म तो कर ही रही है, उस तरीके से अगर युवा पीढ़ी इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो इस कानून को और तरीके से और जल्दी तरीके से वो ख़त्म कर देंगे। युवा लोग 1500 हैं और बाकी तो काफ़ी लोग हैं, 46 गाँव में से हर युवा चाहते कि ये हमारा जो सामुदायिक दवा फॉर्म है, व्यक्तिगत है, ये हो जाए जल्द से जल्द, तो जो अर्थव्यवस्था वो सही हो जाए। अर्थव्यवस्था की वजह से ही हम लोग इस कानून के इस उसमें जुटे हुए, और काफ़ी महिलाओं के साथ में शोषण होता है, जंगल में जाएंगी, इस फॉरेस्ट एक्ट को वो एक हथियार बना लिए हैं इस फॉरेस्ट एक्ट को, कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। यूनियन में तो काफ़ी राज्य के लोग जुड़े हैं, काफ़ी जिला के लोग जुड़े हैं, जैसे कि हो गया बहराइच, हो गया मेरे गाँव में 46 गाँव हैं, उधर काफ़ी गाँव हो गए, उधर गोला हो गया, और काफ़ी टोंगिया गांव है जो अलग, जो वन विभाग ने जो अंग्रेज के ज़माने में जो उनके लिए उनको पकड़ पकड़ के लाते थे, एक एक लोगों को मजदूरी आप लोग करो, जंगल लगाओ, और फिर उनको वहीं पे रोक दिया, तो उन लोग वो लोग भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो भी ये सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन इसलिए होना ज़रूरी था क्योंकि कोरोना के चलते हुए काफ़ी लोग हताश हो गए थे, काफ़ी लोगों को लगने लगा था कि अब हमारे साथ में कोई नहीं है, ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा, कानून भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो अकेले बैठ के कोर्ट में या अपने दफ्तर में बैठ के इस काम को इस यूनियन को ख़त्म करने के, काफ़ी यूनियन काफ़ी संगठन ख़त्म हो चुके हैं, तो इसीलिए यह सम्मेलन होना ज़रूरी था। एक तो ताकत मिला हम लोग को आपस में मिलजुल के, एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे से हर जगह के लोग आए, तो आज भी हमें लगा कि हाँ वाकई में अभी भी इस कोरोना चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी सरकार साजिश से कर ले, हमारा संगठन कभी ख़त्म नहीं होगा। एक तो मुझे ये लगा, और एक तो ये लगा है कि मुझे लगा है कि आज भी ये लग रहा है कि हमारी लड़ाई और भी लंबी है, और भी मुझे लग रहा है कि और भी प्रॉब्लम आती जा रही है, सरकार 2 साल के अंदर हमारी जो इस कानून को सब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि इस जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जो बातें हो रही हैं, इससे काफ़ी चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसे एक साथी आए थे, वो भी बता रहे कि ऐसे ऐसे चीज़ ये हो रहा, तो इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता था। एक तो ये नई चीज़ सीखने को मिली है।